हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर, एक बार फिर से ट्रिकी बाइबिस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिस्ट्री होम साइंस टर्म 2 का मॉडल सेट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, और इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बहुत से वीडियो दे दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, कठोर साबुन क्या होता है? कठोर साबुन क्या होता है, इंग्लिश में है व्हाट इज हार्ड सोप। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कठोर साबुन वसा और क्षार से बना होता है। इसमें सोडियम सिलिकेट मैंड नामक और कुछ रेसिन होते हैं। यह पर्याप्त भाग नहीं होता, अर्थात जो साबुन होता है, कठोर साबुन होता है, उसमें वसा और क्षार से बना हुआ होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तौलिए धाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है, तौलिए धोने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ तौलिए धोने के लिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। ये गंदगी शीघ्र हटा देते हैं और चिकनाहट को भी हटा देते हैं, अर्थात हम लोग तौलिया को धोने के लिए अपमार्जक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के 2 कारण बताएं। इसका आंसर है, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता का पहला कारण है समय की बचत, दूसरा विभिन्न डिजाइनों में उपलब्ध। इसके बाद क्वेश्चन है, वक्र रेखाएं क्या होती है? तो ये घुमादार तथा गोलाई वाले रेखाएं होती है। इसका प्रयोग परिधान को कोमलता, सभ्यता तथा नारीतत्व का भाव देती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, आमचूर और बिस्कुटों पर मानक चिन्हों के नाम बताएं। आमचूर और बिस्कुटों मानक चिन्हों के नाम बताना है। तो इसमें हम लोग ISI का एग मार्क लगाया जाता है। इसके बाद है हमारा बजट की परिभाषा दीजिए, अर्थात बजट क्या है? तो बजट घरेलू आय व्यय को एक निश्चित अवधि के लिए लिखित विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विवरण वस्तुओं पर खर्च तथा परिवार द्वारा आवश्यक सामग्री को प्रस्तुत करता है, उसे ही हम लोग बजट कहते हैं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वास्थ्य कर भोज्य सामग्री खरीदने से आपका क्या तात्पर्य है? अर्थात स्वास्थ्य कर भोज्य से हमारा तात्पर्य ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें स्वास्थ्य प्रदान करने वाले सभी तत्व हो, यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज, विटामिन आदि सभी तत्व विद्यमान है। एक गृहिणी को स्वास्थ्यकर भोजन
खरीदने समय इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही मौसम के अनुसार स्वास्थ्यकर भोजन की खरीदारी करनी चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे, अर्थात स्वास्थ्यकर भोज्य सामग्री, ऐसा भोज्य सामग्री जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। इसके बाद क्वेश्चन है, विनियोग की परिभाषा दीजिए। आय का वह भाग जो हम प्रति माह या प्रति वर्ष आय में से बचाकर किसी ऐसे सुव्यवस्थित योजनाओं में लगाते हैं जिससे हमें आने वाले समय में कुछ न कुछ लाभ मिलता रहे, विनियोग या निवेश कहलाता है। अर्थात हम कोई भी काम को करने में उसमें जो निवेश करते हैं उसी को विनियोग या निवेश कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, ISI का मानचिन्ह देने वाले व्यूरोक का नाम लिखे तथा यह किन किन चीज़ों पर दिया जाता है। मानचिन्ह वाले देने वाले इंडियन स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ISI, यह मार्स कई पदार्थों को दिया जाता है जैसे वनस्पति सीमेंट, एलपी स्टोर, प्रेशर कुकर, बिजली के उपकरण आदि। इस संस्था का कार्य कारखानों से बने पदार्थों एवं उपकरणों के लिए नियमित गुणवत्ता प्रदान करना होता है ISI का। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, ज्वर किसे कहते हैं। ज्वर अर्थात बुखार, ज्वर उसे कहते हैं जब व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री एफ फॉरेनहाइट सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ज्वर का मुख्य कारण संक्रामक रोग तथा कुपोषण की होता है कुपोषण ही होता है। ज्वर तीन प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन ज्वर, यह ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया, गलशोध, सामान्य सारा आदि। दीर्घकालीन ज्वर, ऐसा ज्वर जो लंबे समय तक चलता है पर तापमान अधिक नहीं रहता। इसके बाद है अंतरकालीन ज्वर, यह ज्वर अंतराल पर चलता है जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। तीन प्रकार के हैं, अल्पकालीन ज्वर जो कम समय के लिए होता है, दीर्घकालीन ज्वर जो अधिक समय के लिए होता है, अंतरकालीय ज्वर जो अंतराल के अनुसार चलता है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल का क्या महत्व है। अर्थात हमें अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें कैसा जल पीना चाहिए, शुद्ध जल क्यों पीना चाहिए, इसका क्या महत्व है उसके बारे में हमको बताना है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को भली भांति चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में जल पीता है। पीने वाला पानी स्वस्थ एवं साफ और ढका हुआ होना चाहिए ताकि कोई भी संक्रामक रोग न फैल सके, क्योंकि गंदा और संक्रमित पानी हैजा, पेचिस, गैस्ट्रो, टाइफाइड आदि रोगों का कारण बनता है। इसीलिए हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। अगर हम शुद्ध पानी नहीं पिएंगे तो हमारा शरीर को बहुत परेशानी होगा। अगर शुद्ध पानी नहीं पीने पर हमें बहुत से बीमारियों होगी, अतः हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध जल पीना अति आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है,
गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए? यदि माता के आहार में लोह तत्व की कमी होती है तो यह अनीमिया या अरक्तता से पीड़ित हो जाएगी। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि गर्भावस्था में माता के रक्त में 25% बढ़ोतरी होती है। लोहे की कमी से माता रक्तहीनता से पीड़ित हो जाएगी, परिणाम स्वरूप जन्म से पूर्व शिशु के यकृत में लोहे के भंडार नहीं हो पाएंगे और बच्चा भी जन्म लेने के बाद अरक्तता से पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शिशु को स्तनपान के 2 लाभ बताएं। इसका आंसर हो जाएगा, माता का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि 1, यह पचने में सरल और स्वच्छ होता है, यह संक्रमण का कारण नहीं बन सकता। 2, प्रारंभिक दूध रोग निरोधक क्षमता प्रदान करता है। 3, सरलता से उपलब्ध होता है। 4, यह संपूर्ण आहार है और भावनात्मक सुरक्षा भी होती है। अर्थात जो माता का दूध होता है सर्वोत्तम दूध माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रोटीन तत्व विद्यमान होते हैं और इसमें कोई मिलावट चीज़ नहीं होती है। यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें रोधक क्षमता को प्रदान करती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है? अतिसार तथा निर्जलीकरण में क्या संबंध है, इसे किस प्रकार रोका जा सकता है? अतिसार खाद्य विषाक्तता के कारण होता है, इसमें भोजन पचता नहीं तथा पहला दस्त मगर पेट में दर्द हो जाता है। दस्त के कारण शरीर का जलीय अंश काफ़ी मात्रा से बाहर निकल जाता है, जिससे निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चे में निर्जलीकरण की स्थिति को रोकने हेतु ओ आर एस जीवन रक्षक घोल बनाया जाता है। यह बाजार से बना हुआ लिया जा सकता है या घर पर उबले हुए पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर भी बनाया जा सकता है। बच्चों को भरपूर मात्रा में सरल पदार्थ जैसे शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय, रोलर पानी, चावल का मोड़ या फटे दूध का पानी थोड़ी थोड़ी देर से देते रहना चाहिए। अर्थात हमें निर्जलीकरण के लिए उपाय करना चाहिए और अतिसार के लिए हमको इन सब उपाय करना चाहिए। बच्चे में जो निर्जलीकरण होता है उसी को रोका जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, सामाजिकता के क्या क्या गुण है? सामाजिकता के क्या क्या गुण है? तो सामाजिक विकास का अर्थ जिस समाज में बच्चा रहता है उस समाज के अनुसार अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है अर्थात उसी के अनुरूप ढल जाता है। सामाजिक विकास से ही समाजीकरण प्रारंभ होता है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा खाना, बोलना और खेलना आदि
काम सीखते हैं। इसका अर्थ अपने समूह के साथ अच्छा व्यवहार करना भी है। क्रीड़ा समाजीकरण का एक आवश्यक अंग है। विकलांग बच्चे अधिकतर अपने आप को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों से अलग पाते हैं। ऐसा भेदभाव से बच्चों के समाजीकरण पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे बच्चा निराश और खीन रहने लगता है तथा स्वयं को अपेक्षित महसूस करता है। सामाजिक भेदभाव एवं लक्षण बच्चे के सामाजिक व्यवहार में विघटन उत्पन्न करते हैं। माता पिता तथा बच्चों की दया दृष्टि के कारण बच्चों का आत्मविश्वास छीन हो जाता है। सामाजिक मत मत जैसे विकलांग मस्तिष्क विकलांग शरीर की लेन बच्चे के स्वरूप को चोट पहुंचाते हैं। ऐसे बच्चे अधिकतर उग्र एवं जिद्दी स्वभाव के होते हैं। स्वतंत्रता तथा स्वावलंबी बनने के लिए विकलांग बच्चों को स्नेह सौंदर्य तथा उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समाज इन गुणों को विकसित करता है, अर्थात समाज में ही इन सब गुणों को विकसित किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बालकों के संवेगनों की विशेषताओं बताइए, अर्थात बालकों की संवेदन भी क्या है। तो बालकों के संवेदन की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। तो संवेदनों को एक प्रकार व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश से संवेदन आशाए विद्यमान होते हैं। जिस प्रकार सुगंध दिखाई न देने पर भी फूल में विद्यमान रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे व्यवहार में संवेग पर्याप्त रहते हैं। संवेग बच्चे की प्रसन्नता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्रियाशील को भी बढ़ाते हैं। विभिन्न संवेदनों को दो वर्गों में बांटा जाता है, दुखद संवेद सुखद संवेद। दुखद संवेद के अंतर्गत क्रोध भय ईर्ष्या आदि आते हैं, जबकि सुखद संवेद के अंतर्गत हर्ष स्नेह जिज्ञासा आदि आते हैं। दुखद संवेद अर्थात दुखों के बारे में बताता है, अर्थात जो लोग दुख हो जाते हैं, दुखी रहते हैं या फिर दुखी भाव हो जाता है तो उनमें क्रोध आ जाता है, भय आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है। जबकि जो व्यक्ति का या जो बालक में सुखद संवेदन आता है तो वह बच्चा हंसता खिलता रहता है, हर्ष होता है, खुशी रहता है, स्नेह होता है, प्यार होता है और उसे जानने की जिज्ञासा होती है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, जितना हो सके मेरे इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो के पूरी भी चैनल में दिए गए वीडियो को ज़रूर देखें, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।